हल्द्वानी में हजरत शेर अली बाबा दरगाह पर हर साल होने वाले वार्षिक उर्स के आयोजन की अनुमति नहीं मिलने के विरोध में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। इस संबंध में उर्स आयोजन प्रबंधन समिति ने एसडीएम के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी को चुनाव बहिष्कार करने का ज्ञापन भी सौंपा है। दरअसल हल्द्वानी के काठगोदाम स्थित दरगाह हजरत शेर अली बाबा में हर साल वार्षिक उर्स का आयोजन 15 फरवरी से 19 फरवरी तक किया जाता है, जिसके लिए उर्स प्रबंधन समिति की तरफ से 2 फरवरी को नियम के अनुसार हल्द्वानी के एसडीएम से अनुमति मिलती रही है। लेकिन इस बार उर्स के आयोजन को लेकर एसडीएम हल्द्वानी की तरफ से काठगोदाम थाना पुलिस से जांच आख्या मांगी गई, तो पुलिस ने 9 फरवरी को एसडीएम को सौंपी। अपनी रिपोर्ट आदर्श आचार संहिता और कोविड गाइडलाइंस का हवाला देते हुए उर्स आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं प्रशासन के इस रवैये से नाराज उर्स प्रबंधन समिति का कहना है कि जब चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रमों से कोविड गाइडलाइंस का प्रतिबंध हटा लिया है तो उन्हें यह तर्क देना गलत है। उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं के साथ प्रशासन से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। जनाब, हमारे यहाँ एक काठगोदाम में विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, हजरत शेर अली बाबा के नाम से मशहूर है। उस दरगाह में हर साल वार्षिक आयोजन होता है उर्स का। जो पिछले कोरोना काल गुजरे हैं उनमें तो आज के मुकाबले बहुत ही विकट स्थिति रही। उस समय भी प्रशासन ने हमें अनुमति दी और हमने उसका आयोजन बड़ी सफलतापूर्वक किया। किसी प्रकार की शिकायत हमारी तरफ से नहीं हुई और हमने बहुत अच्छे तरीके से उस आयोजन को किया। लेकिन इस बार हम भी सम्मान करते हैं आदर्श आचार संहिता का, कोविड गाइडलाइन का हमने पालन किया है हमेशा, लेकिन उसको बहाना बनाकर हमें जो उसकी अनुमति से नहीं दी जा रही है। देखिए, एक तो कंडीशन ये होती है कि आप इस कंडीशन के साथ उसका आयोजन करेंगे, एक बात। दूसरी बात कि आप करेंगे ही नहीं। अगर हम उसका आयोजन नहीं कर पाएंगे तो ये हमारी धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ है, सरासर अन्याय है हमारे साथ, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जबकि चुनाव 2022 का जो लोक पर्व है वो 14 फरवरी को संपन्न हो जाएगा और हमारा जो उर्स का आयोजन है वो 15 फरवरी से शुरू होगा, 19 फरवरी को हमारा समापन है। हमारा चुनाव से कोई मेल नहीं है, कहीं टकराव नहीं है, कहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। कोरोना की जहाँ तक बात है तो कोरोना के मामले में जिला निर्वाचन आयुक्त महोदय ने खुद कहा, इस बात को कहा है कि जब जो क्षेत्र में रैलियाँ चल रही हैं उनको पूर्ण छूट दे दी गई है कि पूरी भीड़ के साथ आज़ादी के साथ वो जो है संपन्न होंगी। तो उसका इन दो बहानों को अगर हम पे थोपा जाता है बेवजह, तो इसमें इतना बेवकूफ़ हम भी नहीं है कि हम बातों को ना समझें। हम किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, कोई राजनीतिक मामला नहीं है हमारा। हमारा कहना सिर्फ इतना कि हमने अनुमति दिया उसकी, ताकि हम बाबा का उस जो हर साल होता है हम उसी स्वेच्छा से उसी श्रद्धा से उस के आयोजन को कर सकें, ताकि हमारा उर्स सफलतापूर्वक हो सके। अगर हमारे संग ऐसा हुआ कि हमें अनुमति नहीं दी गई तो हम चुनाव का बहिष्कार, हमने निर्णय लिया है तो हम उस पर अपना कायम रहेंगे और चुनाव का हम बहिष्कार करेंगे।